हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ग्रामर का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 18 नंबर का, ठीक है ना। इसके पहले मैंने 17 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला सेंटेंस है, व्हाट इज इट डैश ट्रबल्स यू सो मच। और यहाँ पर हमें फिल करना है ऑप्शन है हु, That, which and what। तब तक आप क्या कीजिए, कमेंट करके करेक्ट आंसर उसमें टाइप करते जाइए, ठीक है। और लास्ट में आप टोटल स्कोर हमें ज़रूर बताएं कि आपका टोटल स्कोर कितना इसमें हुआ है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ले रहा है, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। तो ये दोस्तों क्या है, आपका क्लॉज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या है ये आपका क्लॉज। और कौन सा क्लॉज है, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो रिलेटिव क्लॉज में हमें सबसे पहले देखना है कि हम इसमें या तो पर्सन की बात कर रहे होंगे या फिर हम इसमें थिंग की बात कर रहे होंगे। यदि हम पर्सन की बात कर रहे होंगे तो हमें हु, हुज, हुम ये सब लगाने हैं, और थिंग की बात करेंगे तो हमें लगाना होगा विच, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा एक और यूज आता है उसमें रिलेटिव क्लॉज में, वो है दैट का। तो दैट का क्या यूज है, सबसे मोस्टली और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जब भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में आपका सब्जेक्ट इट हो, इट इज, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लॉज में आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज में आपका ओनली वर्ड लगा हो, तो दोस्तों उसका रिलेटिव क्लॉज का जो कंजक्शन बनता है ना, वो बनता है दैट, ना कि विच। चाहे ये पर्सन में हो चाहे थिंग में हो, या यूज किया जाएगा यहाँ पर आपका दैट ही। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं, हमारा ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज इट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट इज, ठीक है ना। तो अब बेशक यहाँ पर थिंग की बात हो रही है, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हालांकि बात हो रही है थिंग की, तो आप सोचेंगे इसमें विच लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका दैट, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। यदि यहाँ पर अभी आपको रिलेटिव क्लॉज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके आप अपना कोई भी सेंटेंस टाइप कर सकते हैं, आपका आंसर उसका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हु डैश योर फ्रेंड मस्ट हेल्प यू। यहाँ पर हमें देखना है कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो लिखा हुआ है आई मस्ट हेल्प यू, है ना। ये हु डैश योर फ्रेंड ये लिखा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम बात किसकी कर रहे हैं, आई की, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आपका आई है और उस इसके लिए प्रोनाउन लग रहा है आपका हु, मैं, जो तुम्हारा मित्र हूँ, जो कौन, ये हु कौन है, हु है आई। तो यहाँ पर जो हु के बाद एडजुडरी वर्ब आएगी दोस्तों, वो आएगी आपकी एम के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका एम, ना कि इज या आर, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड नंबर का, यानी कि यहाँ पर यूज होगा आपका एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि द ट्रेन डैश इन एन आवर। ऑप्शन है हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव्स एंड हैज बीन लीविंग। कमेंट जरूर करना है यहाँ पर, और आप अपना लास्ट में स्कोर देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये लिखा हुआ है द ट्रेन डैश इन एन आवर, यहाँ पर यूज करना है हमें वर्ब, हमारे पास 4 दी गई हैं इनमें से, ठीक है। तो जब भी हमें कोई वर्ब फिल करने के लिए दी जाती है तो दोस्तों हमें माइंड में क्या रखना है, तो माइंड में हमें वहाँ पर रखने टेंस के यूजेस, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन कोई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बड़ी गलती टेंस में कर लेंगे। अब होता क्या है कि ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट है हमारा द ट्रेन, द ट्रेन क्या है आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है।
तो होता क्या है कि जो ये सेंटेंस है ये आपका शेड्यूल्ड है, यहाँ पर हम कहें कि ये टाइम टेबल्ड प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? टाइम टेबल्ड प्रोग्राम, टाइम टेबल्ड प्रोग्राम दोस्तों, ठीक है। अब टाइम टेबल्ड प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, कि टाइम टेबल्ड प्रोग्राम के लिए रूल है कि जब भी कोई कार्य टाइम टेबल्ड प्रोग्राम से होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाया जाएगा। किस में बनाया जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और इसका जो मीन्स होगा ना वो आएगा आपका फ्यूचर में। याद रखिए टाइम टेबल्ड प्रोग्राम प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, और उसका यदि हिंदी अर्थ निकलेगा दोस्तों तो वो जाता है फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द ट्रेन लीव्स, यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन लीव्स इन एन आवर, यानी कि ट्रेन एक घंटे में जाएगी, ये अर्थ आएगा। जाती है ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो थर्ड नंबर का है वो होगा करेक्ट। और ये इस तरह के यूजेस दोस्तों आपको बिल्कुल आने चाहिए, और ये ऑथेंटिक यूज हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि आप हिंदी ट्रांसलेशन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिस्टेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर दोस्तों, वो है आपका सम स्टूडेंट्स डैश वाइल द टीचर डैश फुल स्टॉप, यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना है दो बार, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं वरंट लिसनिंग एंड सेकेंड के लिए वाज स्पीकिंग, डिडंट लिसन वर स्पीकिंग, डिडंट लिसन वाज स्पीकिंग, हैवंट बीन लिसनिंग एंड स्पॉट, इनमें से हमें करना है यहाँ पर फिल। तो रूल मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो व्हाइल कंजक्शन लगा हुआ है ना हम इससे पहचानेंगे। होता क्या है कि सामान्यतः व्हेन और व्हाइल जो कंजक्शन है ना आपको मोस्टली पास्ट टेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो व्हेन के बाद ये टेंस आता है वो आता है पास्ट सिंपल टेंस, यानी व्हेन के बाद जो सेंटेंस आता है सिंपली वो कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट। और व्हाइल के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम क्या देखेंगे, ये जो व्हाइल है ना इसके बाद का हमें ये सेंटेंस यानी द टीचर यहाँ पर हमें बनाना होगा पास्ट सिंपल में, यानी व्हाइल है तो इसके बाद कौन सा टेंस बनाना है ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से हैं आपका, ये लिखा है वाज स्पीकिंग, यहाँ पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, द टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या है वर्ब, ये नहीं आएगा, एक आपका ये रहा, ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट, ये नहीं, यानी कि आप या तो इसमें से उड़ रहा या इसमें से उड़ रहा, दो में से। अब हम पहला देखते हैं, तो जब ये व्हाइल वाला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो रहा तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस हो रहा ये हो रहा पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस में कितने सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए पास्ट सिंपल टेंस में आपका ये लिखा है वरंट लिसनिंग, ये लिखा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये भी नहीं हो रहा। अब आपका कौन सा बचा, ये थर्ड नंबर का, ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव, तो यानी जो ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका करेक्ट कौन सा, थर्ड वन। तो सेंटेंस हो जाएगा सम स्टूडेंट्स डिडंट लिसन, ठीक है, व्हाइल द टीचर वाज स्पीकिंग, व्हाइल द टीचर वाज स्पीकिंग, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट जरूर करें यहाँ पर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाइल आई डैश फॉर यू आई फेल अस्लीप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये यूज बताया था आपको कि व्हाइल के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये किस में लिखा है दोस्तों देख लीजिए आप, सब्जेक्ट है आई और ये फील का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है फेल अस्लीप, तो यानी ये पास्ट सिंपल में है तो व्हाइल वाला कैसे बनेगा, अब आप सिंपली पहचान गए होंगे, आंसर दे दीजिए तब तक। तो ये आपका हो जाएगा जो आपका ऑप्शन है, पहला है इसमें वेटेड, सेकंड है वाज वेटिंग, थर्ड है वेट एंड फोर्थ वन है हैड वेटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड वन, यानी कि वाज वेटिंग। तो व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर यू आई फेल अस्लीप, तो यहाँ हो जाएगा वाज वेटिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करें इसे साथ ही साथ, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 6।
यह आई थिंक सी डैश ए लेटर एट द मोमेंट। ऑप्शन है राइट्स, सेकेंड है इज राइट, थर्ड है रॉट, फोर्थ है हैज रिटन। मुझसे पहले आप क्या कीजिए, कमेंट जरूर करते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि आई थिंक लिखा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट, यानी कि इसके बाद का जो सेंटेंस यहाँ पर फेल हो रहा है वो भी प्रेजेंट में ही हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आप देखिए टाइम लगा हुआ है, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मीन्स क्या होता है, एट प्रेजेंट, इस समय, यानी एट द मोमेंट इज नाउ, यानी इस समय वर्तमान में, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम। तो ये सारे के सारे जो टाइम एडवर्ब है ना दोस्तों, वो कहाँ पर आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और भी यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी भी सेंटेंस में नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, प्रेजेंटली हो, ठीक है, एट आपका एट द मोमेंट है, ये सारे टाइम एडवर्ब जिस सेंटेंस में आएंगे वो आपका बन जाएगा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट है आपका राइट्स, सेकंड है इज राइटिंग, सब्जेक्ट है आपका सी, सी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और वर्ब में आएंगे, यानी जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, सेकंड वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट व्हाट ही, लुक एट व्हाट ही डैश फुल स्टॉप। ऑप्शन है यहाँ पर डिड, हैड डन, इज डूइंग एंड वाज डूइंग। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लुक एट है, यानी कोई कह रहा है, ऐसे लिख रहा हो रहा है लुक एट, उधर देखो व्हाट ही, लुक एट व्हाट ही डैश, तो यानी कि हम ये बात एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग किसी से कह रहे हैं कि somebody इज डूइंग समथिंग, हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी की ध्यान को अटेंशन करना चाहते हैं लुक एट बोल के, तो इससे ये पता चलता है कि जिस समय ये लुक एट बोल रहा है उसी समय कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो ये हो जाएगा लुक एट व्हाट ही इज डूइंग, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस 8 नंबर का, द मैनेजर एंड असिस्टेंट्स ऑफ मिस्टर शर्मा डैश अरेस्टेड यस्टरडे। ऑप्शन है आपका वर, वाज, हैव बीन या हैज। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या पर क्या यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका द मैनेजर एंड असिस्टेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, ये आपका सब्जेक्ट है, बीच में लगा हुआ है ये ऑफ। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी किन्हीं दो नाउन के बीच में आपका ऑफ प्रपोजिशन लगा हो तो वर्ब जो है ना वो पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। तो पहला वाला नाउन आपका कितना बड़ा है, द मैनेजर एंड द असिस्टेंट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि द मैनेजर एंड द असिस्टेंट सिंगुलर है या प्लूरल, कमेंट करके आप अभी हमें ये बताइए कि ये द मैनेजर और असिस्टेंट सिंगुलर है या प्लूरल होगा, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके वर, वाज, हैव बीन एंड हैज। तो देखिए, तो मैंने पहले भी एक दो वीडियोज में बताया है आपको कि जब भी कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों तो नॉर्मली उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन फर्स्ट वन के साथ यहाँ पर डिटरमाइनर लगा हुआ है द, लेकिन सेकंड वन के साथ यहाँ पर डिटरमाइनर नहीं लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि वही व्यक्ति मैनेजर है और वही व्यक्ति असिस्टेंट है, यानी कि पर्सन एक है, उसके जो पोस्ट हैं वो उसकी कितनी है, दो हैं। तो यहाँ पर कितने लोग अरेस्ट हुए, केवल सिंगल पर्सन, और यहाँ पर लगा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे टाइम एडवर्ब है, ये हमें बताता है कि इस सेंटेंस को किस में बनाना है, पास्ट सिंपल टेंस में इसे बनाना होगा, क्यों, क्योंकि यस्टरडे आपका आता है पास्ट सिंपल टेंस में ही। ओके, अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में बाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर पहले से ही लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। ऑप्शन है आपके, कमेंट कर दीजिए तब तक, ऑप्शन है आपके वर, वाज, हैव बीन एंड हैज।
तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ एक आपका सब्जेक्ट है रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो रूल है जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों, किससे जुड़े हों दोस्तों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हैज। तो आंसर हो जाएगा रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज Badly injured during the journey। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा आपका राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका टेन। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, यू डैश माई सर्वेंट डैश नॉट लॉयल टू मी। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यू यू माई सर्वेंट नॉट लॉयल टू मी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पर्सन क्या रहा है कि तुम, यानी कि जो मेरा सर्वेंट है, सर्वेंट की बात हो रही है, यू माई सर्वेंट। अब सर्वेंट यहाँ कितने हैं, सिंगुलर है दोस्तों, कितने हैं सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्वेंट की। लॉयल कौन नहीं है, वफादार कौन नहीं है, सर्वेंट नहीं है। ठीक है, तो सर्वेंट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी और वो हो रहा आपका इज, यानी कि यू माई सर्वेंट इज नॉट लॉयल टू मी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक सी डैश ए लेटर एट द मोमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउ, एट द मोमेंट, ओके, दिस टाइम, ओके, एंड आपका है एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये सारे के सारे जो टाइम एडवर्ब हैं दोस्तों वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो आई थिंक सी, सी सिंगुलर है तो इज, एंड राइटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी इज राइटिंग ए लेटर एट द मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है द हाउस डैश ऑफ फाइव रूम्स। ठीक है, यहाँ पर हमें फिल करना है, हमारा ऑप्शन है इज कंसिस्टिंग, कंसिस्ट्स, कंसिस्ट एंड हैज कंसिस्टेड। तो यहाँ पर एक जो आपकी ये कंसिस्ट वर्ब है दोस्तों, ये कैसी वर्ब है आपको सबसे पहले बता दूँ, ये आपकी स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होती है, ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जिन्हें हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते सामान्य तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन वन है ये तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो द हाउस है ये आपका कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और रूल है कि जिन वर्ब को कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते उन वर्ब को इंडेफिनिट में यूज करें, या जिन्हें परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते उन्हें परफेक्ट में करें। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पर सेंस ऑफ फोर वगैरह यूज किया जाता, तब हम देखते उसे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड वन वाला, यानी कि ये सेंटेंस हो जाएगा द हाउस कंसिस्ट्स ऑफ फाइव रूम्स। तो ऑप्शन नंबर जो टू है आपका ये करेक्ट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 30 नंबर का, वी डैश हर सिंस वी लास्ट मेट हर। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो चार ऑप्शन है, ये डिडंट सी, हैवंट सीन, डोंट सी एंड हैडंट सीन। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, सिंस के बाद दोस्तों ये पूरा आपका लगा हुआ है टाइम, यानी सिंस ऑफ फोर के बाद आपके क्या है, आपका टाइम है। और सिंस ऑफ फोर किस में आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना, अब देखिए, अब तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो वो देख लेते हैं, वी आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड वन, यानी हैवंट सीन होगा, वी हैवंट सीन हर सिंस वी लास्ट मेट हर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच इज डैश बेटर ऑफ द टू। यहाँ पर फिल करना है आर्टिकल, ए एन द या नो आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हमारी लिखी हुई है डिग्री, बेटर कौन सी डिग्री है, ये कंपरेटिव, कंपरेटिव
कंपरेटिव डिग्री है। कंपरेटिव डिग्री हम समानता कैसे पहचानते हैं, या तो उसमें देन का यूज किया जाता है या फिर वहाँ लिखा हुआ ऑफ द टू। ये दो पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, कि या तो देन हो रहा या फिर ऑफ द टू हो रहा कंपरेटिव के बाद, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए दो तुलना दो में ही हो रही है, कंपेरिजन दो चीज़ों में ही किया जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ तो यह है कि हमें आर्टिकल कौन सा लगाना, आएगा या नहीं आएगा। तो नॉर्मली तो कंपरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नो आर्टिकल आता है। लेकिन जब कंपरेटिव डिग्री के बाद दोस्तों क्या लगा हो, ऑफ द टू लगा हो, ऑफ द टू जब लगा हो तो बिना सोचे समझे आप कंपरेटिव से पहले द लगा दे रहे ना, आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, आई हैव डैश क्वेश्चंस टू आस्क। यहाँ पर आपको फिल करना है सुटेबल डिटरमाइनर। ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड अ लिटिल। ओके, तो यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो क्या है, डिटरमाइनर फ्यू है लिटिल में से। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये कैसा है आपका प्लूरल नाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लूरल नाउन, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो लिटिल है ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लिटिल के बाद आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, एंड फ्यू के बाद आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखें कि जो फ्यू है इसके बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन फ्यू का मीन्स क्या होता है आपका, नॉट मैनी, यानी ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, इनसफिशियंट बोलिए। और इसका जो मीन्स होता है वो निगेटिव होता है हमेशा, यानी जहाँ भी फ्यू लगा हो रहा ओनली फ्यू, इससे पहले ना तो ए और ना द, अकेला जब भी फ्यू लगा हो रहा तो इसका मीन्स हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, ये याद रखिए। तो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ना के बराबर हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सेकेंड वन, यानी अ फ्यू यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है ना। यदि और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाना अब आपका काम है, बनाना मेरा काम था। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।